यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीतापुर के गांव पंचायत अधिकारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर समन्वय समिति के बैनर तले एक दिवसीय उपवास किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संदीप यादव ने की। इस कार्यक्रम में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर उपवास किया गया। पंचायत अधिकारियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 5 जून को लखनऊ में काम बंद करके अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ तीन सरकार से मांगे हैं। पहली मांग ये है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक की जाए और ओ लेवल कंप्यूटर किया जाए। हमारी दूसरी मांग है हमारा वेतन ग्रेड 2800 किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है हमारा प्रोन्नत हमारे हमें समय समय पर प्रोन्नति प्रदान की जाए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 10 वर्ष में, 16 वर्ष में और 26 वर्ष में हमें प्रोन्नत वेतन मान प्रदान किया जाए। यदि हमारी मांगे इसके बाद भी नहीं मानी जाती हैं तो 5 तारीख को हमारा प्रांतीय नेतृत्व लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठेगा और मजबूर होकर के हम लोग 6 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद सीतापुर के 1900 विकास खंड में कलम बंद हड़ताल पर बैठ जाएंगे।